Milagros más le ha dicho ya te. Ya se lo he. नमस्कार एचएम पाटील सर, बिला पाटील सर. नमस्कार एचएम. नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार विशाल जी. नमस्कार. नमस्कार बिला पाटील साहेब. नमस्कार. एक दोन मिनिटात सुरू करूया सर आपण. ओके चालेल. दोघही वक्ते येऊन गेले. आज आपल्याला हिंदीतूनच बोलायचंय. मॅडम गुजरात मधून आहे. येस येस. हो हो. आपले पण मला मराठी जमत. मी मुंबईची आहे, मला मराठी जमत. पण या टेक्निकल गोष्टी आहेत तर मला माहित नाही मी किती हिंदी किंवा मराठी समजू शकेन तुम्हाला. ओके ओके. बेटर मराठी. प्रयत्न नक्की करू. येस. तापी नदी मोस्टली खानदेशातच जास्त वाहते महाराष्ट्रात. सो सर आपण सुरू करूया. नमस्कार. तापी रिवर बेसिन आओ तापी नदी को जाने इस वेबिनार में हम आपका स्वागत करते. ये वेबिनार सीरीज कैसे शुरू हुआ इसके बारे में मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ पहले, और बाद में हम एक्चुअली वेबिनार के तरफ जाएंगे. तो हमारे जो मेंटर है डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, उनके टीम ने डिसाइड किया कि मार्च जून 2020 से वेबिनार सीरीज शुरू हुआ. पहले 44 वेबिनार्स अलग अलग एक्सपर्ट जो इंडिया में काम करते पानी के ऊपर, उनको आमंत्रित किया गया. ऐसे 44 वेबिनार होने के बाद 18 अप्रैल 2021 को ऐसे डिसाइड हुआ कि ग्राउंड पे यात्रा निकाली जाए नासिक से लेके वर्धा तक. लेकिन कोरोना का दूसरा फेज शुरू हुआ तो उसके बाद ये सारा यात्रा रोक दिया गया और ऑनलाइन यात्रा शुरू हुआ. ऑनलाइन संवाद यात्रा हर जिले का, नासिक डिस्ट्रिक्ट से यात्रा शुरू हुआ. ऐसे होते हुए पिछले हफ्ते तक हमारे 25 जिलों की ऑनलाइन संवाद यात्रा कंप्लीट हुआ है. और अभी हम जैसे ही नासिक के बाद जलगांव, धुलिया और नंदुरबार, ये तीन डिस्ट्रिक्ट की यात्राएं हुई,
तो हमारे सारे टीम्स मेंबर और मेंटर्स इन्होंने डिसाइड किया कि तापी नदी की अलग सी ऑनलाइन वेब सीरीज शुरू किया जाए। तो इसके बाद हमारा जो भी है तापी नदी का वेब सीरीज शुरू हुआ। आज तक हमारे एक ही मिनट में स्क्रीन, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? तो आज तक हमारे 23 मई से ये प्रोग्राम शुरू हुआ वेबिनार का। तो आज तक 14 वेबिनार्स कंप्लीट हुए। ये वेबिनार में जलगांव जिले से शुरू हुआ और जलगांव, धुलिया, नंदुरबार, बुलढाणा, अमरावती, इसके अलावा मध्य प्रदेश से, बरहानपुर से भी वक्ताएं आए जिनका ग्राउंड पर बहुत बड़ा काम है। आप जैसे महानुभव कोई 30 साल से 40 साल से काम कर रहे हैं और ये अनुभव सभी लोगों को पता चले, इसलिए ये वेबिनार सीरीज हुआ। हम तो यहाँ पर सीखने के लिए आते हैं कि आप जैसे एक्सपर्ट लोग जो ऑलरेडी ग्राउंड पर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो आपका अनुभव हमको सीखने को मिले और यही सीख हमारे तापी नदी के जितने भी निवासी है वो भी ये सीख सीखना चाहेंगे, इसलिए वेबिनार शुरू हुआ। आज हमारे साथ गुजरात से नेहा मैम है और जलगांव से गोपाल चौधरी सर है। तो इनका भी बहुत बड़ा काम है, पिछले 30-40 सालों से वो काम कर रहे हैं, तो हम उनको सुनते हैं। इसके पहले मैं हमारे जो मेंटर है डॉक्टर एच एम पाटिल सर, उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आगे का सूत्र संभाले। धन्यवाद विशाल जी। मेरी आवाज है विशाल जी? हाँ सर, आ रही। हाँ धन्यवाद। वेबिनार के इस 15वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोनों वक्ता आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित है और जो भी हमारे मेंटर्स है भिला पाटिल और अदर्स, उन सभी का मैं तहे दिल के से स्वागत करता हूँ। आओ तापी नदी को जाने, इस वेबिनार को अनोखा अंजाम देने के लिए हम जल, जंगल, जमीन, इसी क्षेत्र में काम करने वाले, तापी नदी के परिक्षेत्र में काम करने वाले लोगों को यहाँ हम आमंत्रित करते हैं और उनके अनुभव यहाँ शेयर करते हैं, साझा करते हैं और उनसे सीखने का प्रयास करते हैं। ये आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया है। हम आज के जो दो वक्ता हैं, इनका काम भले ही अलग अलग दिशाओं से अलग अलग प्रांतों में काम कर रहे हैं, लेकिन इनका काम जल, जंगल, जमीन और लोगों के हित में काम जो हो रहा है, या रिसर्च के माध्यम से हो या ग्राउंड लेवल के माध्यम से हो, दोनों वक्ता अपने अपने क्षेत्र में माहिर है। इसलिए मैं शुरुआत में नेहा सरोटे मैडम, जो हमें विश्वामित्री नदी पर यहाँ मार्गदर्शन करने वाली है, उनका परिचय करवा देता हूँ शुरू में। नेहा मैडम बाय प्रोफेशन आर्किटेक्ट एंड एनवायरमेंटल प्लानर है। 20 साल से वो अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस साझा कर रही है और 13 साल का उनको एकेडमिक एंगेजमेंट्स का एक्सपीरियंस है गुजरात में। इससे पहले वो विदेश में यूएस में यूएस गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ में कंसल्टेंसी का काम कर चुकी है एंड नाउ शी इज एंगेज इन अवेयरनेस एडवोकेसी अल्टरनेटिव इनिशिएटिव्स फॉर रिवर्स, स्पेशली फॉर द विश्वामित्री रिवर इन वडोदरा, एंड शी इज परसुइंग हर पीएचडी इन एनवायरमेंटल प्लानिंग विथ फोकस ऑन रिवर सिस्टम्स। ये बहुत अच्छी बात है कि एकेडमिशियंस ग्राउंड लेवल पे नदी, जैसे कि जल, जंगल, जमीन है, इस लेवल पे आके काम कर रहे हैं। वो विश्वामित्री रिवर पे काम करने वाली मैम हमें आज यह अपना एकेडमिक एक्सपीरियंस यह शेयर करने वाली है। मैं मैडम को अनुरोध करूंगा कि वो अपना विषय यहाँ पे प्रस्तुत करें। नेहा सरोटे मैम। हाँ नमस्कार, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैं यहाँ पे दो चीज आज डिस्कस करना चाहूंगी। वन इज
रिवर्स मतलब नदी क्या है और रिवर फ्रंट का जो नया वेव आया है अपने देश में उसकी परिभाषा क्या है और क्या वो सारी नदियों पे लागू हो सकता है या नहीं, उस बात पे चर्चा करेंगे। और खास तौर पे मैं वडोदरा का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है विश्वामित्री रिवर डेवलपमेंट को किस तरह से विड्रॉ, किस तरह वो विड्रॉ हुआ और हमारा उसमें क्या योगदान रहा है एज हमारा एक ग्रुप है यहाँ पे कंसर्न सिटीजन्स ऑफ वडोदरा का, तो उसका हमने जो हमारी पूरी प्रोसेस थी मैं वो यहाँ बताना चाहूंगी कि किस तरह से जो शासन है उन्होंने हमारी बात या एनजीटी जो केस है उसके ऊपर से उसके प्रभाव से कैसे प्रोजेक्ट विड्रॉ किया गया था। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगी अभी। स्क्रीन दिख रही है? Am I audible? Yes, madam. Yes, yes. Okay. तो ये हमारा एक ग्रुप है जो कंसर्न सिटीजन्स हैं जिन्होंने अवेयरनेस एडवोकेसी और अल्टरनेटिव्स के माध्यम से हम विश्वामित्री रिवर और उसके जो इको रीजन है उस पर हम काम कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो नदी जिस तरह से बहती है अपने जमीन के ढलान को लेके वो एक मियांडरिंग रिवर होती है। मियांडर मतलब जो सर्पाकार होती है उस तरह की। तो जब नदी बहती है तो एक कार्डियोग्राफ जैसे उसका आकार बनता है गूगल अर्थ से देखे तो उसका ये मतलब है कि वो जीवित है, वो जिंदा नदी है, एक इकोसिस्टम है। और नदी सिर्फ एक पानी का बहाव नहीं है जो दो किनारों के बीच में जो पानी है उसमें जो उसके बीच में जो पानी बहता है सिर्फ उसे नदी नहीं कहते हैं। नदी उसके जो राइपेरियन एजेस है, रिवर बैंक्स हैं, जो तालाब है, पोतर है या रिवाइंस है, वेटलैंड्स है, जो अलग अलग जल क्षेत्र से जो जल स्रोत से पानी बहता है वो सारा एक नदी का हिस्सा होता है जिसे हम वाटरशेड कहते हैं या कैचमेंट कहते हैं। रिवर वाटरशेड या बेसिन लेवल है, जैसे तापी का है वो बेसिन है पूरा जो बैतूल की जंगलों से सूरत तक जो आता है वो पूरी तापी रिवर बेसिन है जैसे आप लोगों ने सही समझा है। और नदी और उसकी सिस्टम है जो पूरी वो बहुत सारी सर्विसेज हमें दे जिसको हम इकोसिस्टम सर्विसेज कहते हैं, जिसको जिससे हमारी पूरी मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। इलाका है से हम हेलो हाँ मैम आपकी आवाज बीच में चली गई थी। अच्छा एक मिनट अभी ऑडिबल है अभी ऑडिबल है। हाँ। अच्छा ठीक है। तो वो सॉइल और एयर क्वालिटी को भी मेंटेन करता है, अपना जो तापमान है आजू बाजू का माइक्रोक्लाइमेट और माइक्रोक्लाइमेट उस पर भी उसका बहुत ज्यादा योगदान है, जिसे हम ब्लू और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर या ब्लू एंड ग्रीन सिस्टम कहते हैं। तो नदी को हम ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं और जो आजू बाजू के उसके रिवाइंस है जैसे कि यहाँ पे मेरा अगर कर्सर दिख रहा है जो झाड़ी होती है, पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, वो पूरा एक सिस्टम ग्रीन और ब्लू नेटवर्क बनता है उससे और उससे पानी की जो हेल्थ है उस पर निर्भर करती है। लेकिन हमने नदियों को कुछ और दूसरे तरीके से देखना शुरू किया है। हमने नदियों को रीसेक्शन किया है, उनकी कोतरों या रिवाइंस को जो स्लोप्स और टैंक्स किनारे होते हैं उनको काफी डिस्टर्ब करके रखा है हमने। हमने वेस्ट वाटर सूवेज या एफ्लुएंट इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट अंदर हम छोड़ते हैं, अनट्रीटेड एफ्लुएंट और सूवेज छोड़ते हैं नदी के अंदर। एंक्रोचमेंट्स आ गए हैं बहुत सारी
लीगल इलीगल दोनों तरह की एनक्रोचमेंट आ रही है. जो झोपड़े आते हैं वो इलीगल एनक्रोचमेंट है, जो मकान बनते हैं नदी के किनारों पर जो उन्हीं के अंदर जो मकान बनते हैं उनको लीगल एनक्रोचमेंट कहा जाता है. तो ये सारे जो एक्शंस है हमारी वो पूरे रिवर सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है. और इसे चलते चलते हम वो जो कार्डियोग्राफ था उसको हम स्ट्रेट कर रहे हैं. जब कार्डियोग्राफ स्ट्रेट होता है उसका मतलब कि वो मर रहा है या मर गया है. तो हमने जो नदी के मियांडर्स है उसको हमने सीधा कर रहे हैं हम, ताकि उसका बहाव सरपाकर जो उसका बहाव हो वो पूरा लैंड हम डेवलपमेंट के लिए रिक्लेम करें. तो वो एक हम काफी गलत चीज कर रहे हैं. तो नदी को समझने के बाद एक रिवर फ्रंट नाम की एक मैं तो बोलूंगी डिजीज आई है हमारे अर्बन डेवलपमेंट में. तो रिवर फ्रंट क्या है वो हमें समझना बहुत जरूरी है. वो एक वेस्टर्न कॉनोटेशन है, इट्स एन अर्बन कॉनोटेशन. मतलब जो शहरी विकास के लिए ये टर्म यूज किया जाता है. डिक्शनरी में उसका अर्थ देखें तो नदी के बाजू में जो जमीन है उसे रिवर फ्रंट कहते हैं. लेकिन यहाँ पे महत्व यह है कि हम नदी को कैसे डिफाइन करते हैं, नदी को हम कैसे जानते हैं, हमने उसका अस्तित्व किस तरह से समझा है, वो बहुत जरूरी है, उसका महत्व बहुत जरूरी है. तो वैसे तो अभी जो रिवर फ्रंट है पश्चिमी देशों में या अपने सो कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रिक्रिएशनल यूज ज्यादा है, क्योंकि लोगों को पानी के साथ जोड़ना है, कुदरत के साथ जोड़ना है. तो रिवर्स नदी एक फ्रंटयार्ड बनना चाहिए ना कि बैकयार्ड. अब तक हमने उसको बैकयार्ड बना दिया है लेकिन हमें उसको फ्रंटयार्ड देखना है. टर्न आवर फ्रंट टू द रिवर नॉट बैक्स. लेकिन जो पश्चिमी देशों में है उनके यहाँ रिवर फ्रंट कैसे शुरू हुई वो भी जानना जरूरी है हमारे कॉन्टेक्स्ट के लिए, क्योंकि हम उनका मॉडल अपना रहे हैं. तो इंडियन अपने जो भारत में जो एसोसिएशन था नदियों के साथ वो एक रेफरेंस था. हम सम्मान करते हैं नदी को एज ए लिविंग एंटिटी, हम उसको जीवित मानते हैं, ना कि एक पानी का बहाव या चैनल जिसको हम अपने पर्सनल यूज के लिए उपयोग में लाए. काफी कुछ तो जो कनेक्शन था नदियों के साथ डायरेक्टली वो रिलीजियस यूज के लिए था, जैसे घाट्स हैं, मंदिर के घाट्स हैं, मोस्टली वही उसी के लिए यूज एक्सेस किया जाता था. लेकिन उस जमाने में उसको रिवर फ्रंट कहा जा सकता था, या तो फिर बोट से पार करना नदी को ह्यूमन मनुष्य के ट्रांसपोर्टेशन के लिए था. जो वेस्टर्न रिवर फ्रंट्स है यूरोप और अमेरिका के, उसका पर्पस मेन था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, जैसे कोयला है या रॉ मटेरियल है, फैक्ट्री तक पहुंचाना है, वो उन लोग नदियों के द्वारा करते थे और पेरिनियल रिवर्स के द्वारा करते थे, जहाँ पे 12 महीने पानी रहता था उस तरह की नदी की. और ये काफी चौड़ी नदियां थी जिसमें पानी 12 मास रहता था. और जिस जिन शहरों में रिवर फ्रंट्स हुए हैं, जैसे लंदन है, पेरिस है, पिट्सबर्ग है, उन वे सारे इंडस्ट्रियल सिटीज थे. तो जहाँ पे इंडस्ट्रीज नदी के किनारे थी और पूरी नदी को पल्यूट करके रखा था इंडस्ट्रीज. तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन खत्म हुआ तब जाके रिवर फ्रंट डेवलपमेंट शुरू हुआ और रिक्रिएशनल पर्पसेस, ताकि इंसानों को या मनुष्य को नदी के साथ जोड़ने का प्रयास था. लेकिन ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि वो ऑलरेडी डैमेज हो गई थी सारी नदियां, जितने भी एक्सटेंट जितने भी शहर किए हैं वेस्टर्न कंट्रीज ने, वो ऑलरेडी प्रदूषित हो चुकी थी. तो फिर हमें ये सोचना है कि जो पश्चिमी देशों के जो मॉडल्स हैं वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कॉपी करना चाहिए. रूबरू वैसे ही जैसे वहां किया है वैसे ही हमें यहाँ करना है. अगर रिवर फ्रंट डेवलप करना भी है अपने शहरों में तो किस हद तक करना चाहिए, और क्या वही डिजाइन मॉडल्स अपने रिवर्स पे लागू कर सकते हैं, बिना रिवर को जाने, बिना नदी का अस्तित्व जाने, बिना उसकी उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसका जो नेचर है,
उसको जाने बिना हम कैसे एक ही ढांचे में सारी नदियों को हम गढ़ सकते हैं, वो तो मुश्किल है, और उस चक्कर में हम सारी नदियों को मार रहे हैं एक्चुअली। तो हमें जरा रुक के सोचना चाहिए कि एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए हमारे शहरों हमारी नदियों के। तो यहाँ पे मैं बड़ौदा का एक आपको कॉन्टेक्स्ट देती हूँ। एक छोटा सा वाटरशेड है, तापी जितना बड़ा बेसिन नहीं है। विश्वामित्री नदी जो वडोदरा से वडोदरा में है वो काफी छोटी नदी है, उसका रिलीजियस ऐतिहासिक काफी जो कॉन्टेक्स्ट है वो काफी स्ट्रांग है। ऐसे कहा जाता है कि ऋषि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र इसी नदी के किनारे लिखा था। तो ये जो नदी है वो पावागढ़ एक छोटा सा पहाड़ है एज कम्पेयर टू अरावली या वेस्टर्न घाट्स। पावागढ़ काफी छोटा है, वहां से उत्पन्न होती है और गल्फ ऑफ खंबात में मिलती है, और उसका जो मिडिल वाटरशेड है वो वडोदरा के थ्रू जाता है जो यहाँ पे मैंने बताया है। वैसे वडोदरा को कहते हैं कल्चरल कैपिटल ऑफ गुजरात। तो यहाँ पे जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो भी काफी है, और यहाँ पे जो कुदरती पेड़ पौधे झाड़ियाँ पक्षी प्राणी वो भी बहुत है, इसकी बायोडाइवर्सिटी काफी रिच है। और बड़ौदा में मगर है, क्रोकोडाइल्स भारत में से ये जहाँ अर्बन एरिया में शहर के बीच मगर रहते हैं और कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, ह्यूमन क्रोकोडाइल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही कम होता है, जब तक इंसान नदी में ना घुसे या क्रोकोडाइल के घर में ना घुसे क्रोकोडाइल उसे अटैक नहीं करता है। तो एक को एग्जिस्टिंग लिविंग है यहाँ पे। तो जैसे दूसरे शहर में होता है जो विश्वामित्री रिवर फ्रंट डेवलपमेंट है वो मतलब कई लोगों ने विश्वामित्री पे काम करना शुरू किया था 1998 से लेके 2014 तक। छोटे छोटे प्रयास हो चुके थे, जो सिटीजन्स थे उन्होंने भी एक वह विश्वामित्री अभियान 2010 में बनाया था। एक पॉलिटिकल इनिशिएटिव के वजह से पूरा विश्वामित्री का रीसेक्शनिंग हुआ था। बात तो 2008 से ही चल रही थी कि विश्वामित्री पे रिवर फ्रंट आना चाहिए, साबरमती पे आ चुका था। साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट 1997 में स्टार्ट हुआ था मेरे हिसाब से, प्लानिंग उसकी डिजाइन और प्लानिंग। तो 2008 में पॉलिटिशियंस को ऐसा था कि वडोदरा में भी कुछ आना चाहिए तो हमें भी एमएलए एमपी की टिकट मिल सकती है। तो वहां से शुरू होकर 2014 में वीआरडीपी मतलब विश्वामित्री रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था, और उसके चलते यहाँ के जो अकेडेमिया है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स है, बॉटनिस्ट जूलॉजिस्ट इकोलॉजिस्ट लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स प्लानर्स एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट रोहित भैया मौजूद है। तो उन्होंने हमसे एक इस पूरे रिपोर्ट को क्रिटिक किया था कि इसकी पॉजिटिव्स क्या है नेगेटिव्स क्या है और ये नदी को किस तरह से हानि पहुंचाएगा। तो हमने ये जो वीआरडीपी था वो बिल्कुल साबरमती के मॉडल पे था, पूरे नदी को जो वडोदरा शहर में करीबन 17.5 किलोमीटर चलती है विश्वामित्री नदी, वो 17.5 किलोमीटर दोनों तरफ मतलब 35 किलोमीटर की कंक्रीट वॉल आएगी 16 मीटर डीप, और जो वडोदरा की एग्जिस्टिंग बायोडाइवर्सिटी है उसको पूरा खत्म कर देगी, ये खत्म कर देता ये प्रोजेक्ट अगर आता तो। तो हमने उसको 5 हिस्सों में क्रिटिक किया था। एक तो जो डिजाइन की कंसिडरेशन है, जो अप्रोच उन्होंने लिया था, उनको लगता था कि जो झाड़ी झाकड़ और पेड़ पौधे हैं नदी के किनारे वो एक ऑब्स्टिकल है, ऑब्स्ट्रक्शन। तो उन्होंने नदी का जो इकोसिस्टम है वो समझा ही नहीं है, जो पानी और जमीन और मिट्टी की का जो कनेक्ट है
वो उन्होंने बिना समझे इंजीनियरिंग अप्रोच के द्वारा लैंड को रिक्लेम करने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया. फ्लड्स और वाटर लॉगिंग, जब पानी निकल नहीं पाता है और जो पूर आती है, फ्लड्स आते हैं, उनके बीच उनको समझ में नहीं आया कि उनका अंतर क्या होता है. तो उनको लगता था कि जो बड़ौदा में फ्लड्स आते हैं उसको ये सेक्शन करके पानी को जल्दी से बाहर निकाल देंगे तो बड़ौदा का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. और उन्होंने इंटरसेप्टर, जो अभी पुणे में भी है, भी अंदर जाके उन्होंने इंटरसेप्टिंग प्लान किया है ताकि वो जो गटर जो नदी की तरफ खुली आती है वहीं से कट करके ले जाए. लेकिन ये सारी ड्रेन्स नदी के किनारे के अंदर आएंगी तो सारी नदी की जो इकोलॉजी इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी. इन्होंने जो नदी के मियांडर्स है, जो ऑक्सबो लेक्स है, उसको पूरा इग्नोर किया था और एक इंजीनियर्ड वे अर्बन डिजाइन के द्वारा उसको नदी से अलग कर दिया था, पूरा कॉन्क्रीटाइज कर दिया था और पार्क्स में कन्वर्ट किया था. इसे चलते ये करने के लिए तो काफी रवाइंस और जो कोतर है वो पूरे कंस्ट्रक्शन डेब्री से भरना चालू की थी, अभी भी वो काम जारी है. फिर इस प्रोजेक्ट ने जो वाइल्ड लाइफ है, मगर तो है ही, मैडम आपकी आवाज फिर से कट हो रही है. मैडम आप अगर वीडियो ऑफ करोगे, उन सारे ओके अब हाँ अब आ रही है. यस मैम ओके आई एम सो सॉरी. तो वो जो बायोडायवर्सिटी है उसकी हैबिटेट, जो एनिमल्स है, प्राणी है, उसकी हैबिटेट को बिना समझे उन्होंने ये प्रोजेक्ट को डिजाइन किया था. और जो लोकल कम्युनिटी है, सिटीजन्स हैं, चाहे स्लम्स हैं या जो आजू बाजू के जो लोग रहते हैं वहाँ, उनको भी तो हम लोगों ने देखा है कि साबरमती के प्रपोजल्स कैसे थे. और साबरमती के बारे में तो काफी कुछ पब्लिश हो चुका है, उसमें क्रिटिक हो चुका है, हमने इतने सालों में डैमेज भी हम देख चुके हैं. तो आगे चल के विश्वामित्री के लिए ये क्या होगा, कैसे होगा, वो हमें देखना था. तो 2014 से लेकर 2021 में एक लंबी प्रोसेस जारी थी. ये आपको काफी ये दिख रहा है, ये चार्ट जो है, टाइमलाइन. हाँ दिख रहा है मैम. हाँ तो ये सिटीजन के द्वारा और अथॉरिटीज के द्वारा क्या एक्शंस लिए गए और क्या डायरेक्शंस आए हैं, ये सबका डिटेल्ड में एक टाइमलाइन बनाई थी ताकि हमें समझ पड़े कि कितनी मेहनत करनी पड़ी थी सिटीजन्स को, कितने खत लिखने पड़े थे, डिटेल में मीटिंग्स करनी पड़ी थी और सबको हाथ सबके साथ चलते हमको ये काम करना था और हमने वो काम किया था. इस बीच जो सिटीजन्स के द्वारा लड़ाई थी वो तो थी, लेकिन एनजीटी में भी केस फाइल किया था कि दोनों तरफ से प्रेशर था, एक जुडिशरी प्रेशर भी था, एक सिटीजन प्रेशर भी था. और सिटीजन प्रेशर था जुडिशरी में भी और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में भी, जैसे कमिश्नर्स है, कलेक्टर्स है, जो ऑफिसर्स है स्टेट लेवल के उनके ऊपर भी. तो हमने ऐसे फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन किया था, क्रिटिक एनालिसिस किया था कि डेट वाइज कौन से एरिया पे क्या काम हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि किस तरह से ये प्रोजेक्ट पास किए बिना या अप्रूवल के बिना, सारे एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस के बिना, ईआई एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के बिना
किस तरह से काम जारी था. हमने काफी अवेयरनेस कैंपेन्स भी किए अलग अलग ग्रुप्स ने, स्टूडेंट्स के साथ, कम्युनिटी ग्रुप्स के साथ, अलग अलग जो एनजीओज हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सबके साथ हमने अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए थे. ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, ठीक है हमें ये रिवर फ्रंट नहीं चाहिए तो और क्या हो सकता है, उसके चक्कर उसके प्रयास में भी हमने काफी मीटिंग्स की, इंटरनल मीटिंग्स की, कंसल्टेंट्स के साथ मीटिंग्स की, कॉर्पोरेशन के ऑफिसर्स के साथ, कमिश्नर्स के साथ मीटिंग की, और एक डेलिब्रेशन था, एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बन गई थी हमारी, जिन्होंने ये एकदम साइंटिफिक तरीके से हम सोच रहे थे कि इसके साथ हम इस रिवर को रिजुविनेट या डेवलप कैसे कर सके, या डेवलपमेंट का अर्थ क्या है. तो अलग अलग हमने क्राइटेरिया लिया था, टोपोग्राफी, फिर इरोजन प्रोन कहाँ पे है जोन, हॉटस्पॉट्स कहाँ पे है, क्रोकोडाइल्स के हैबिटेट उसके डेंस कहाँ पे है, स्लोप्स, स्टीप स्लोप्स कहाँ पे है, रिवाइंस कहाँ पे है, और किस तरह से ये नदी को हम लोगों के को वापस कैसे दे सके. तो इन सब में हमने ये सीखा, इसकी सीख काफी गहरी है कि एक मल्टी और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बहुत जरूरी है और वो मुमकिन है. और जो नदी की सरहद है, जो नदी का इलाका है जिसे आप कहते हैं फ्लड प्लेन जिसे कहते हैं, वो जानना और वो मैप करना बहुत ही जरूरी है. उसी के बाद हम रिवर फ्रंट के बारे में बात करना शुरू कर सकते हैं. लेकिन जब तक नदी की व्याख्या नहीं पता है तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते और कुछ करना भी नहीं चाहिए. वाटरशेड अप्रोच जो ऊपर से उसके कैचमेंट एरिया में जो करना चाहिए उसकी समझ भी होनी चाहिए. जब हम कोई भी शहर बीच में या अंत तक, जैसे तापी नदी के लिए सूरत एकदम अंत में आता है, लोअर वाटरशेड में आता है, एस्टुराइन एरिया में आता है जहां तापी बेसिन की बात होती है. तब तो तापी को सूरत में समझने के लिए एमपी भी समझना बहुत जरूरी है और महाराष्ट्र के जो विलेजेस है वो भी समझना जरूरी है, क्योंकि वहां जो भी हम करेंगे उसका प्रभाव सूरत पे जरूर पड़ेगा. और हर नदी एक यूनिक इकोसिस्टम है, वो हमें समझना चाहिए. हम सारी नदियों को एक साथ नहीं समझ सकते, एक जैसा नहीं समझ सकते. अगर शासन के सामने हमें हमारा प्रस्ताव रखना है कि हमारी बात, कि वो हमारी बात सुने या माने या समझे, उसके लिए एक फैक्ट्स एंड फिगर्स रखना बहुत जरूरी है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, और कहाँ कहाँ हो रहा है. जो भी इंटरवेंशन है वो सब बहुत जरूरी है. जैसे कि ये डायलॉग, ये जो वेबिनार्स अ प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग, ये जारी रखना बहुत जरूरी है. जो इंटरेस्टेड वॉलंटियर ग्रुप है उनको एकजुट बांध के रखना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो वॉलंटियर बेस है वो कभी भी बिखर सकता है. तो एक दूसरे को जोड़ के रखना बहुत जरूरी है. इस सारे एफर्ट में, इन सारे प्रोसेस में हमने कोई हल्ला गुल्ला नहीं मचा, हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं किए. हम हमेशा फैक्ट्स और फिगर्स और एकदम प्रोसीजर जो होना चाहिए कायदे के अनुसार या साइंटिफिकली जो होना चाहिए, हम उसी पे डटे रहे और उसी को हम दोहराते रहे. यहाँ पे कोर्ट का जो एनजीटी ऑर्डर था वो भी उसने भी काफी प्रेशर बनाए रखा. और जो प्रोफेशनल्स है, जो कंसल्टेंट की टीम है और जो हमारे जैसे साइंस या इस सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, उनको कोलैबोरेट करना बहुत जरूरी है. हमारे केस एनजीटी में इंटरिम ऑर्डर आने के बाद भी और फाइनल ऑर्डर आने के बाद भी हमारे हित में फिर भी कामगिरी शुरू है.
जो नदी को काफी हानि पहुंचा रहा है उसके लिए अभी भी हमारी लड़त जारी है। तो ये एक लेसन है कि सिटीजन्स है किन किन को साथ चल के हाथ में हाथ धर के आगे चलना है ताकि एक अच्छी नदी हम अपने सिटीजन्स को दे पाए। ये कुछ आखिरी लेसन है। हमें डेवलपमेंट को रिडिफाइन करना पड़ेगा कि डेवलपमेंट का असली अर्थ क्या है और हमें किस तरह का डेवलपमेंट चाहिए। डेवलपमेंट सिर्फ कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग्स खड़ी करना या पूरा पेव कर देना, सिर्फ उसी को डेवलपमेंट कहते हैं या डेवलपमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स और लोकल एक्सपर्टीज डिजाइन में शामिल होने चाहिए। वो वार्तालाप जारी होनी चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए कि क्या प्रपोज किया जा रहा है और जो प्रपोजल है उसका प्रभाव सबकी जमीन पे या सबके माहौल में कैसे होने वाला है। इसके लिए बहुत ज्यादा पेशेंस और परसिस्टेंस की जरूरत है, फोकस्ड रहना बहुत जरूरी है, हिलना नहीं है बस, और साहस तो चाहिए हमें बिकॉज वी नीड टू स्टैंड अप फॉर व्हाट वी थिंक इज राइट। तो यहाँ पे मैं मेरा प्रेजेंटेशन समाप्त करती हूँ। कोई क्वेश्चंस? धन्यवाद मैम, आपने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से उसके जो सोशल पहलू है उनके जो एकेडमिक या लेजिस्लेटिव पहलू है उन सब पे आपने अपना ओपिनियन रखा है और किसी भी प्रोजेक्ट में ऐसा करने के लिए हमें ये बाध्य करता है कि हम सभी घटकों को साथ में लेकर चले। तो इस तरह से आपका ये प्रेजेंटेशन सबको हमेशा के लिए पथदर्शक रहेगा। मैं आशा करता हूँ आपसे जो सवाल पूछेंगे वो सबसे आखिरी में हम सवाल जवाब लेते हैं, जिन्हें सवाल जवाब करने होंगे वो आपसे करेंगे, जरूर वार्तालाप करेंगे, बनी रही है। थैंक यू। थैंक यू। अभी हम नए गेस्ट जो है हमारे साथ में जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं उनका परिचय करवा देता हूं। हालांकि वो पॉलिटिशियन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, लेकिन सोशल कॉज में उन्हें बहुत दिलचस्पी है। उनका नाम है गोपाल घनश्याम चौधरी, पूना में स्थित है, लेकिन उन्होंने अपने पैतृक गांव में आकर यहाँ की नदी का रिजुनेशन किया। पॉलिटिक्स के साथ साथ में सोशल कॉज में वो हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उनका थोड़ा सा संक्षेप में मैं परिचय कर देना चाहूँगा। उनका एजुकेशन ITI पॉलिटेक्निक है, व्यवसाय उनकी खुद की एक कंपनी है पूना में चाकन में चैताली फोर्स नाम की, चैताली जिनिंग मिल भी है यहाँ पिंपरी धरणगांव में। जिला परिषद से वो पहली बार चुन के आए हैं, जिला नियोजन DPTC के मेंबर है जलगांव के। उन्हें अपनी सेवा के लिए बहुत सारे पुरस्कार मिले, उनमें से कुछ मैं यहाँ नॉमिनेट करता हूँ। उसमें से सुधाई सेवा संस्था जड़गांव द्वारा बिजनेस आइकॉन पुरस्कार उन्हें मिला, OBC फाउंडेशन द्वारा नेशनल अवार्ड मिला है। ऐसे में 2008 में उन्हें पूना में राष्ट्रीय अर्थशास्त्र परिषद में युवा उद्योजक का सम्मान मिला था और यूरोप अमरीका में उन्हें दौरे पढ़ाई के लिए भी उन्हें दौरे किए हैं। श्री क्षेत्र कपिलेश्वर संस्थान मुड़ावत द्वारा उन्हें सम्मान पत्र प्राप्त हुआ है। श्यामराव गोविंदा पाटिल माध्यमिक विद्यालय वर्डी द्वारा भी उन्हें सम्मानित किया गया है। इसी तरह कई ग्राम पंचायत या विविध संस्थाओं द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है अपने काम के लिए। बहुत सारे पॉलिटिशियंस हम आज देखते हैं हमारे खानदेश में, दादाजी ने जो वादे किए थे, जो काम की शुरुआत की थी, वो पोतों ने उसका कंप्लीशन इतने धीरे से किया, उनके पोतों ने थर्ड जनरेशन ने पूरा किया। लेकिन गोपाल चौधरी जी ने अपने पहले ही टर्म में, पहले 5 साल में, जिस नदी के तट पे वो खेले पड़े पले बड़े हैं,
उस नदी का पुनर्जीवन कर दिया है। वो नदी लगभग बंद हो चुकी थी, अंजनी धरण वहां बना था तो वो नदी का बहना बंद हो गया था, बहाव बंद हो गया था। उस नदी को उन्होंने बांध लगाकर वो नदी को रिजुनेट किया है। मैं उनसे आग्रह करता हूँ, गोपाल घनश्याम चौधरी जी से, कि वो अपना प्रेजेंटेशन हमारे साथ साझा करें। गोपाल चौधरी जी, नमस्कार। गोपाल चौधरी जी आप अनम्यूट कीजिए। नमस्कार नमस्कार, आवाज ये तो है? हाँ ये तो है, आवाज ये तो है। सर्वांना माझा नमस्कार। आत्ताच जिनका भाषण हुआ है वो मैडम को भी मेरा नमस्ते। और मैडम मैं ज्यादा हिंदी में बात नहीं कर सकता इसलिए मैं मराठी में बोल रहा हूँ, सॉरी, आप समझ लीजिए मेरे को। तो आज जो नदी के बारे में, पानी के बारे में आज सेमिनार में जो मेरे को बुलाया गया, मेरे को बताने के लिए किया, तो उनको उनका सबका धन्यवाद करता हूँ। सगळ्यांचं मी धन्यवाद करतो। खरं तर या अंजनी नदीवर 1972 ला हा माझा जन्म ह्या नदी काठी वागळूत गावातच झालेला आहे, त्यामुळे ह्या नदी मी माझ्या वयाच्या 7-8 वर्षापासून ही नदी बघत आलेलो आहे। खर तर ही नदी 78 पासून जोपर्यंत मी 90 पर्यंत होतो तोपर्यंत ही नदी वाहत असायची। इवन ही नदी मधनं आम्ही उन्हाळ्यात आंघोळ करायचो, उन्हाळ्यात ही नदी वाहत होती। पण आणि त्याचप्रमाणे हा जो भाग होता हा भाग अक्षरशः बागायत क्षेत्र होतं, ऊस केळी हे सगळं असल्यामुळे इथं सुजलन सपलं म्हणजे जे नैसर्गिकरित्या जे वातावरण हवं होतं ते वातावरण त्यावेळेस असायचं। पण मी 91 साली पुण्याला गेलो, त्यानंतर हळूहळू ही नदी म्हणजे जवळजवळ बंदच झाली असं म्हणायला काही हरकत नाही आहे। त्या माध्यमातून गावांना प्यायला पाणी नसायचं अक्षरशः। आणि पावसाळ्यात सुद्धा वरती धरण झाल्यामुळे ते पाणी धरणच भरत नसायचं, त्यामुळे ते पाणी खाली येत नव्हतं। आणि ते पाणी खाली येत नसल्यामुळे अक्षरशः विहिरी आणि पाण्याची पातळी खाली गेली आणि इथली जी बागायत किंवा पिण्याच्या पाण्याच्या समस्या वाढत गेल्या। वाढत गेल्यानंतर मी 2011 साली जिनिंगच्या माध्यमातून परत या भागात आलो। तसं मी 6-6 महिन्यात या भागात येत होतो, पण त्यावेळेस बघितल्यानंतर आपण काही करू शकत नव्हतो। पण जिनिंगच्या व्यवसायाच्या माध्यमातून मी 2011 ला आलो। आल्यानंतर मी जेव्हा परिस्थिती बघितली की खरोखर वाईट परिस्थिती झालेली होती, म्हणजे डिसेंबर महिन्यामध्येच लोकांना पाणी प्यायला नसायचं आणि ते लोक पाण्यासाठीच फक्त जीवन जगत होते असं म्हणायला काय हरकत नाही। कारण त्यांना पिण्याचं पाणी भरणं हेच दिवसभराचं काम होतं, शेतीतलं काम, कारण प्यायलाच पाणी नसल्यामुळे शेतीत काम नसायचं। मग हे बघत असताना मला वाटलं की आपण इथं काहीतरी केलं पाहिजे। त्याच उद्देशाने मी हळूहळू पावलं टाकत गेलो। मी जरी व्यावसायिक होतो त्यावेळेस, तर त्यावेळेस माझी इच्छा अशी होती की मी माझ्या पदरचा एखादा बांध बांधावा। पण काही इथं स्थानिक पुढाऱ्यांनी मला अडचण केल्यामुळे किंवा त्या लोकांनी मला म्हणजे त्याच्यात एंट्री करू दिली नाही आणि त्या काम पूर्ण करू दिलं नाही। मग मी त्यावेळेस निश्चय केला की या हे जर नदीचं पुनर्वसन किंवा नदीचं जर काम करायचं असेल तर आपल्याला सत्ताधारी व्हावं लागेल आणि सत्तेमधूनच जाऊन आपण हे काम करू शकतो। मग त्या माध्यमातून मी 2017 ला माननीय गुलाबरावजी पाटील साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि यांनी मला ह्या गटाची म्हणा या नदी काठ जो 15 किलोमीटर जो भाग आहे त्या भागाचं नेतृत्व करायला दिलं आणि इथं मी 17 जिल्हा परिषद सदस्य झालो। झाल्यानंतर काही वेळ असा असतो की शासनाकडे पैसा असतो, काही ठिकाणी शासनाची अडचण असतात की तिथं बंधारा घेऊ शकत नाही, शासन सगळी ठिकाणी काम करेल किंवा सगळी ठिकाणी पैसे पुरवेल असं नसतो। पण माझे नेते आहेत गुलाबरावजी पाटील साहेब यांनी खरोखर मला एवढं फ्रीडम दिला की गोपाल तुला या नदीवर काय करायचं, माझा तुला सपोर्ट आहे। अक्षरशः आम्ही दोघांनी 4 बंधारे असे आहेत की घरून बांधलेत डॉक्टर साहेब। आणि सुरुवातीचा जो बंधारा आहे
वागळूत बुद्रुक म्हणून चावलखेडा गाव या ह्या जो बंधारा आहे हा गुलाबराव पाटील साहेबांनी अर्धे पैसे आणि अर्धे मी असं करून आम्ही सो खर्चाने गावातल्या लोकांनी वर्गणी केली, शेतकरी लोकांनी वर्गणी करून जवळ 2-2.5 लाख रुपये म्हणून त्यांनी दिले आणि लोकसहभागातून हा बंधारा आम्ही पहिलं पूर्ण 2017 मध्ये यशस्वी केला आणि ते केल्यानंतर त्या बंधाराचे जे आजूबाजूचे जे फायदे झाले अक्षरशः ज्या गावांमध्ये प्यायला पाणी मिळत नव्हतं नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी मध्ये इथं एका वर्षानंतर बागायत झालीच, पाण्याचा पिण्याचा प्रश्न सुटलाच, बागायत झाली, ऊस लागले, केळी लागली आणि त्यानंतर हळूहळू मग आम्ही 2018 मध्ये भोतचा बंधारा केला. भोत गावात पण तीच परिस्थिती होती आधी बंधारा होण्याच्या आधी की तिथं पण प्यायला पाणी नसायचं, पाणी नसल्यामुळे त्या गावात पण बरस अक्षरशः तिथले जे सरपंच असतील किंवा त्या गावातले लोक असतील तर त्या गावामध्ये बंधाऱ्यासाठी किंवा काही गोष्टींसाठी अडचणी येत होत्या, टेक्निकल अडचणी होत्या, त्याच्यावर आम्ही मात करून आणि गुलाबराव पाटील साहेबांचं सहकार्य आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली खूपच म्हणजे या बंधाऱ्याचं अतिशय चांगलं काम झालं आणि त्या गावाचा पण पिण्याचा आणि शेतीचा पण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला. तर त्या लोकांमध्ये खूप आज आनंदी वातावरण आणि आज जे म्हणजे जे ज्या माझ्या तरुण पिढीला किंवा लोकांना पुण्यासारख्या मुंबईसारख्या माझ्यासारखं जावं लागत होतं तो बऱ्यापैकी आज जाण्याची गरज नाहीये. कारण या आज या बंधाऱ्यांमुळे अक्षरशः 80% शेती तरी माझ्या गटामध्ये पूर्ण पाण्याची झाली. आता कल्याणी होड हा बंधारा सुद्धा 2018 मध्येच बांधला गेला. त्या बंधाऱ्याला टेक्निकल अडचण अशी होती की तिथं शासन पैसे देऊ शकत नव्हते कारण ऑलरेडी ते 500 मीटरचं अंतर असल्यामुळे. मग त्यावेळेस आमच्या मंत्री साहेबांनी सांगितलं की अरे आपण याला आपण अर्ध्या खर्च निम्मे अर्धे खर्च तुम्ही खर्च करा आणि अर्धे मंत्री साहेबांनी खर्च करून आम्ही दोघांमध्ये हा कल्याणी होडचा जो बंधारा बांधला आणि त्या बंधाऱ्यातनं खरोखर म्हणजे एका वर्षातनं जे पर्क्युलेशन आणि विरी चार झाल्या आणि त्या लोकांचे बागायत झाल्यामुळे खूप त्या लोकांचं आनंदी वातावरण आणि त्या लोकांमध्ये आज रोजी किंवा तरुण पिढीला जो उत्साह आज शेतीमध्ये येतोय तर खरोखर चांगल्या प्रकारेच आहे. हनुमंत खेडेगावामध्ये त्याच पद्धतीचं सुद्धा होतं. अक्षरशः हनुमंत खेडेगावामध्ये आम्ही ज्यावेळेस गेलो त्यावेळेस त्यांना जानेवारीपासूनच त्यांच्याकडे पियायला पाणी मिळत नसायचं पण त्या गावामध्ये आम्ही साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली बंधारा बांधला आणि बंधारा तो शासन मंजुरी केला आणि शासन मंजूर करून आम्ही त्या बंधाराची समजा 3 मीटर उंची असल्यामुळे आणि खाली 1 मीटर असल्यामुळे असा टोटल 4 मीटर होता पण आम्ही त्या काही आमचे स्पेशल हे वापरून आम्ही तो बंधारा 2 मीटरने वाढवला आणि तिथलं पाण्याचं जे क्षेत्र आहे ते भरपूर प्रमाणात वाढलं आणि त्या माध्यमातून माझ्या ज्या लोकांना शेतीचा आणि याचा जो फायदा झाला की अक्षरशः त्याकडे पण त्या गावामध्ये आज रोजी जर गेले तर केळीच्या बागा दिसतील आणि निश्चितच शेतकऱ्यांमध्ये आणि माझ्या तरुण पिढीमध्ये आनंदी वातावरण आहे आणि खूपच या पाण्यामुळे फायदा होतोय. तर सोनोदला पण 2021 साली पालकमंत्री साहेबांच्या त्यांच्या निधीतून आम्हाला हा बंधारा बांधण्याचा खूप मोठा योग आला आणि त्यात पण आम्ही बंधारा बांधून यशस्वी होऊन आज पाणी तिथं आडलेलं आहे. खरोखर ये नदी ज्यावेळेस मी लहानपणी बघितली ती नैसर्गिक नदी आज मला म्हणजे पाणी थांबल्यामुळे असं वाटतंय की मला लहानपणाची आठवण येते आणि खरोखरच या नदीमुळे आज आमचा जो भाग मागे पडलेला होता विकासा बाबतीत तो जवळपास पुनर्विकास आमचा होतोय आणि इथं बागायत क्षेत्र झाल्यामुळे निश्चितच शेतकरी आणि माझ्या मतदारांमध्ये आनंदी वातावरण असल्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये तसंच सोनवतचा पण बंधारा त्याच पद्धतीचा आहे. सोनवतचा बंधारा पण तिथनंच आम्ही केला. परत आहिरे गावातला बंधारा 2018 ला तो पण पूर्ण केला पूर्ण गटामध्ये संपूर्ण म्हणजे आज 15 किलोमीटर संपूर्ण नदी माझ्या बंधाऱ्यामध्ये असल्यामुळे माझ्या नदीत 12 महिने पाणी दिसतंय. कधी या पाण्याची जर समजा कमीत कमतरता झाली उन्हाळ्यामध्ये तर आम्ही पाटाचं पाणी म्हणा किंवा धारागिरीचं पाणी पालकमंत्री साहेबांच्या मार्गदर्शनाखालून किंवा त्यांच्या आदेशाने आम्ही या नदीला पाणी सोडतो आणि त्या पाणी सोडून आम्ही निश्चितच या बागायतीसाठी खूप उपयोगी काम करतो. खरं तर
या सांगायची गोष्ट असं एकच मला मुद्दा म्हणायचा आहे, मी ज्यावेळेस व्यावसायिक माणूस होतो व्यावसायिक होतो त्यावेळेस मला काही किंमत नव्हती या आवाज बंद झालाय बापू. बापू आवाज येत नाही. गोपाल बापू हॅलो. हा येतोय आवाज. हा येतोय. हा तर ज्यावेळेस मी निवडणूक मध्ये उभं राहून जे स्वतःचे अधिकार वापरून जे मी हे विकासाच्या काम केले तर एक व्यावसायिक म्हणून मी करू शकलो नसतो. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं म्हटलं तर जसं केजरीवाल साहेबांनी आंदोलन करून काय त्यांचं हे करून भ्रष्टाचाराविरुद्ध आंदोलन करून त्यांना काही करता आलं नाही, ते तिथंच बसत राहिले, त्याच पद्धतीने माझी बी कंडिशन होती. आणि जेव्हा माणसाच्या हातात सत्ता येते जसं केजरीवाल साहेबांच्या हातात सत्ता आली आणि त्यांनी तेवढ्याच पैशामध्ये वीज बिल माफ करणे किंवा हे करणे आणि शिवाय अजून त्या राज्याला प्रॉफिट करून दिलं दिल्ली सारख्या राज्याला आणि जनतेला खुश केलंय, त्याच पद्धतीने मला शासनाने जेवढे पैसे दिले त्या पैशाहून जास्त दुप्पटचं काम करून आणि माझ्या भागातला जो विकास आहे हा खरोखर जर मी करू शकलो असेल तर माझ्या गुलाबराव पाटील साहेबांनी मला खरोखर इथं नेतृत्व दिलं त्यामुळे मी करू शकलो. जर मला हे नेतृत्व मिळालं नसतं आणि जर मी व्यावसायिक माणूस राहिलो असतो तर या गोष्टी शक्य नव्हत्या. परत अजून कोणाला तरी दुसऱ्याला जन्म घ्यावा लागला असता आणि या नदीकाठच्या गावांना विकासासाठी असंच परत भटकावं लागलं असतं. तर कोणीतरी एक असा पुढाकार घेऊन हे काम जर केली तर निश्चितच आपण या सगळ्या आपल्या राज्यात काय देशात आपण विकास करू शकतो. एक तुम्हाला मगाशी त्या मॅडमांनी उदाहरण दिलं की तापी नदीवर असं, आज मी 96 पासून माझ्या तापी नदीचा बंधारा बघतोय. शासन अक्षरशः एवढं दुबळं आहे की 96 पासून आज तो बंधारा अजूनपर्यंत झाला नाही. एवढं मोठं ते धरण आहे, त्या धरणाला पैसे देऊ शकत नाही. याचं कारण आहे शासनाकडे पैसे नाही असं नाही, शासनाकडे पैसे आहेत पण एकमेकांच्या हेवेदाव्यांमुळे एकमेकांच्या राजकीय याच्यामुळे ते मागं पडलंय आणि या राजकारणामुळे किंवा राजकीय याच्यामुळे लोकांचा जो विकास खुटला आहे माझ्या खान्देश भागातला तर तो असं व्हायला नाही पाहिजे. तर याच्यासाठी आपल्याला खरोखर काळजी घेतली पाहिजे. आज अंजनी नदीचा मी माझ्या हातात जेवढा होतं तेवढा विकास करू शकलो त्याच माध्यमातून माझ्या जळगाव जिल्ह्यामध्ये गिरणा नदी आहे, तापी नदी आहे. जर ह्या नदींचं खरोखर पुनर्वसन झालं तर या मला नाही वाटत की या जळगाव जिल्ह्याच्या एखाद्या तरुण माणसाला मुलाला कुठल्या बॉम्बे पुण्या सिटीमध्ये सुरतमध्ये जावं लागेल असं जाण्याची काहीच गरज नाहीये. कारण इथंच उद्योगधंदे व्यवसाय शेती उद्योगधंदे उत्पन्न होऊ शकतात आणि याच्यात आपण विकासाची कामं करू शकतात. मी या वेबिनार मार्फत एकच सांगू इच्छितो की माणसाने जर एक जे ठरवलं तर ते करू शकतो. आपण थेरॉटिकली पुस्तकही सगळं नॉलेज असतं पण प्रॅक्टिकली पण अचीवमेंट करण्यासाठी काही वेळेस आपल्याला स्वतःचा वैयक्तिक वेळ आणि वैयक्तिक खर्च वैयक्तिक आर्थिक खर्च पण करावा लागतो आणि खर्च करून सगळ्याच गोष्टी शासन करत नाही. आणि जसं आपण आपल्या घरातले निर्णय घेतो त्याच पद्धतीनं आपण आपला गट म्हणजे आपला घरच आवाज बंद झाला बापू. आवाज येत नाहीये. हा बोला बापू. हॅलो. हा बोला. येतोय आवाज? हा येतोय बोला. तर हा मी एक सांगू इच्छितो की जसं या प्रत्येकाने माझ्या मी माझ्या गटामध्ये किंवा मी ज्या भागात मला मी जन्माला आलो होतो तर मला त्याचं काहीतरी देणं होतं त्या माध्यमातून मी विकासाची कामं किंवा या नदीचं कामं जर पाण्याची जी नदीचे पुनर्वसनची जर कामं केली तर आपल्याला खरोखर जे नैसर्गिक आपली संपत्ती आहे किंवा नैसर्गिक काही गोष्टी आहेत ते हे राहतील आणि येणाऱ्या पिढीला एकच संदेश देईल की आपण जल है तो कल है त्यामुळे पाणी वाचवा. पाणी पाणी वाचवा आणि आपली जी प्रगतीची जी जर हे असेल तर खरोखर पाणी आहे. तर मी सगळ्यांना मला आज या सेमिनारला बोलवलं आणि इथं मला बोलायला दिलं त्याबद्दल मी एच एम पाटील सरांचे
आभार मानतो सर्व सेमिनार जे ज्यांनी आयोजक केलंय त्यांचे आभार मानतो आणि माझ्या आधी ज्यांचं लेक्चर झालं त्या ताईंचं पण त्या सर तुमचा आवाज परत गेला सर बापू आवाज गेलाय तुमचा परत हा नाही मध्येच मला फोन आला होता तर मला एकच सांगायचं डॉक्टर साहेब कि माझ्या या येतोय आवाज हा येतोय आवाज येतोय बापू आवाज येतोय तर आज हा आता आला या अंजनी नदीवर जे विकासाची कामं झाली आहेत अशीच प्रत्येक गावामध्ये प्रत्येक गावातल्या तरुण नेतृत्वाने करावी एवढी अपेक्षा करतो आणि डॉक्टर साहेब माझे दोन शब्द संपवत आवाज येतोय धन्यवाद बापू साहेब ज्या नदीच्या काठावरती ज्या नदीच्या तीरावरती आपण खेळलात बागडलात त्या नदीला पुनर्प्रवाहित करण्याचे भाग्य फार कमी लोकांना लागतं ते आपण आपल्या कर्तृत्वाने सिद्ध केलेलं आहे आणि असंख्य लोक आपल्याला या बाबतीत नक्कीच दुवा देतील आपण छान प्रेझेंटेशन या ठिकाणी केलेलं आहे त्याबद्दल मी आपलं या वेबिनारच्या वतीने आभार मानतो आणि मान्यवर मान्यवरांपैकी काहींना प्रश्न विचारायचे असतील तर त्यांनी नेहाताई व गोपाल चौधरी यांना विचारायचे असेल ते विचारू शकतात किंवा आपली मतं मांडू शकतात नमस्कार सर नमस्कार नमस्कार मी सुरुवात करतो हॅलो सर आवाज इराणा का हो सर येतोय सर इराणा सर इराणा हा मी सुरुवात करतो पहिला प्रश्न विचारा पहिले तर ताई साहेबांना नमस्कार नेहा ताई मराठीत बोलेल मी कारण की ते म्हटलं मराठी समजते मला पावेती नदीमध्ये आणि जे सहज लोक त्याला नदी कोरून आणि कुठेतरी पाणी हळवा आणि नदीचं जे भौगोलिक जे अस्तित्व असत ते नायसे करून नंतर ज्यावेळेस पूर येतात त्यावेळेस आपण मन रडत बसतो की नदीचा पूर आला पण त्या नदी चुकी नसते त्या आपली चुकी असते खूप छान टेक्निकली खूप म्हणजे खूप महत्वाचा मुद्दा तुम्ही मांडले तुम्ही परत बेंच मार्किंग जे युरोपियन देशाची केले अगदी युरोपियन देशात तशीच कंडिशन आहे कारण की ज्यावेळेस आपण बाहेरच्या देशामध्ये फिरतो तर नदी ही नदीच असते आपल्या भारतातल्या नद्यांसारख्या नसतात कारण आपण कोणत्या शहरामध्ये जा नदीचं म्हणजे अक्षरशः नदीकडे फक्त दुर्लक्ष झालेलं आहे कारण की आपल्याला सहज नळाने पाणी भेटतं त्यामुळे आपल्याला नदीचं महत्व कळत नाही खूप सुंदर आणि खूप म्हणजे आम्हाला म्हणजे शिकण्यासाठी खूप उपयुक्त अशी माहिती ताई साहेबांनी दिली त्याबद्दल पहिले ताई साहेबांचा धन्यवाद करतो आता आम्ही येतो आमच्या चौधरी सरांकडे अरे गोपाल सरांना नमस्कार राम राम सर ऐकताय का हा गोपाल बापू ऑडिओ सुरू करा तुम्हाला ते म्हणजे आम्ही थोडा आयरमध्ये बोलसो गुजरातमध्ये बोलसो तुम्हाला म्हणजे पटा भाषण ऐकशन तर मला पुरं मन भरी असं आहे का हा कारण की तुम्ही ज्या नदीचा उल्लेख केला अंजनी नदी आणि तुम्ही चावलकळा वागळू हनुमानकळा पिंपळेशिम वगैरे मी स्वतः चावलकळा हायस्कूलला असताना मी चावलकळा हायस्कूलचा विद्यार्थी 1985 मध्ये मी 10वीतून पास झालेलो चावलकळ्यावरनं बरोबर हा त्यावेळेस ते आपला जे रेल्वे असल्या तिथे रस्ता नव्हता मधून आणि ती नदी एवढी सुंदर होती मी स्वतः त्या नदीमध्ये आंघोळ केलेले आम्ही रात्री तिथे राहायचो हायस्कूलला कारण मी जुडका हायस्कूलला होतो आणि 10वीच्या परीक्षा 8वीच्या परीक्षा असताना मी तिथे हायस्कूलच्या तेव्हा खूप सुंदर हायस्कूल मला मी आता म्हणजे बऱ्याच वर्षात गेलो नाही अगदी मनातलं म्हणजे तुम्ही अंजनी नदी जसं ताईने सांगितलं की विश्वामित्र नदी पवित्र आणि खूप तिचं म्हणजे विश्वामित्र ऋषीशी ते कमी झालं तसंच अंजनी नदी सुद्धा खूप पवित्र नदी आहे ज्याला आपण महाभारत म्हणजे महाभारत गेलो ज्यावेळेस अज्ञातवासात ना म्हणजे पांडवांनी आपल्या एक चक्र गाव म्हणजे एरंडोल आताच
तिथे ते वास्तव्यास होते आणि नदीचा उगम जी झाला टिटवीला, कारण की अंजनी नदी जवळजवळ 51-52 किलोमीटर प्रवाह, म्हणजे तिचा प्रवाह 51-52 किलोमीटर टिटवी पर्वताला घेतले, तिथून तिचं उगम स्थान आहे आणि ती आपली पडसद जवळ गिरणीला भेटते, नंतर आपले तापीला, तिथून म्हणजे ते पडसद सुद्धा पवित्र स्थान आहे. म्हणजे अंजनी नदी ही खूप म्हणजे पवित्र नदी आहे आणि तिचा धरण जे बांधला गेला आपलं धारागीरच, आणि नंतर तुम्ही जे उल्लेख केला धारागीर नंतरचा थडी खरोखरच थडीच होता, आम्ही थडी म्हणायचो त्याला, म्हणजे खूप केडी आणि सर्वच पिकं म्हणजे खूप थडी म्हटलं म्हणजे श्रीमंत लोक म्हणजे पैसेवाले लोक असा त्याचा उल्लेख व्हायचा. म्हणजे मी जवळजवळ 85 पास झालो, म्हणजे मी म्हणजे मला सोडून जवळ 35 वर्ष होणार दहावी म्हणजे पास होऊन, नंतर मी पण पुण्यात राहतो आणि मी सुद्धा उत्तर महाराष्ट्र खानदेश विकास मंडळासाठी आम्ही काम करतोय उत्तर महाराष्ट्रासाठी, त्यात एच ए पाटील सर सुद्धा आमच्या टीमचे आहेत. आणि तुम्ही जे म्हटलं की एक तुम्ही म्हणजे बघा कामासाठी सत्तेकडे गेलेत, बघा म्हणजे केवढं तुम्ही म्हणजे, आणि बापूसाहेबांना तर आम्ही लहानपणी धारशिरी, माझं गाव धारशिरी शेरी, हा त्यामुळे बापूसाहेबांना मी त्यांच्या लहानपणापासून बघतोय ओळखतोय, ते अगदी म्हणजे तिथले पार्टीच्या शिवसेनेचे प्रमुख असल्यापासून कधी नाटकात वगैरे त्यांनी जे काम करत त्यापासून मी त्यांना ओळखतो. पण ठीक आहे, आता आम्ही बाहेर असल्यामुळे भारतीय देशामध्ये असल्यामुळे जास्त परिचय नंतर संबंध आला नाही, पण तुमच्या माध्यमातून नक्की उत्तर महाराष्ट्र, तुम्ही जो उल्लेख केला तापी गिरणा अंजनी असो बोरी असो पांजरा असो सर्व नद्यांसाठी आपण सर्व मिळून काम करू आणि तुमचा म्हणजे पॉलिटिकल सपोर्ट आमच्याकडे असावा, मी तुमच्या नंतर नंबरवर घेईल. आणि म्हणजे मला खूप मनात खूप बरं वाटलं की अक्षरशः तुम्ही एवढे 8 लोक बांधारे बांधलेत पिंपळे शेम पासून तर, आणि विशेष गोष्ट म्हणजे 20 नोव्हेंबरला मी एरंडोल ते पिंपळे तुमच्या गाव म्हणजे पिंपळी मार्गे पांढरीवीर नंतर जुरखेडा मार्गे गावी गेलो तुम्ही, म्हणजे चेवढं 35 वर्षानंतर मी त्या भागात प्रवास केला 20 नोव्हेंबरला, म्हणजे मागच्या महिन्याची गोष्ट आहे. एक महिना चालू होते याचे बंधारे याचे रोडाचे काम चालू होते, बरं वाटलं मला. त्याच्यासोबत तुमच्याकडनं मला एक अजून की बा महत्वाची गोष्ट म्हणजे नदीसोबत नदीची स्वच्छता ती सुद्धा खूप महत्वाची आहे आणि तुमचा सपोर्ट लागेल म्हणजे तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करू, एच ए पाटील सुद्धा साहेब विशाल असतील आम्ही सर्व टीमच्या टीम तुमच्याकडनं आम्ही म्हणजे तुमच्याकडे खूप मोठी अपेक्षा करतो आम्ही. धन्यवाद चौधरी सर, धन्यवाद मॅडम, थँक्यू. धन्यवाद बिला पाटील जी. आता जे नरेंद्र चुग साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे, मी त्यांचेही या ठिकाणी स्वागत करतो. नरेंद्र चुग जी आपका स्वागत है. अभी हाल ही में अंजनी रिवर और विश्वामित्री रिवर दोनों रामायण कालिक ऐतिहासिक नाम वाली नदियों पर बहस हुई और जो प्रैक्टिकल वहां काम करने वाले लोग है, इसीलिए ये आज का वेबिनार भी बहुत ऐतिहासिक ऐसा हुआ है. हम आपका इस वेबिनार में तहे दिल से स्वागत करते हैं, आप अपना मार्गदर्शन करें कृपया नरेंद्र जी. धन्यवाद एचएम पाटिल जी. तो पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं देनी है और आपका अभिवादन करना है कि आपने तापी रिवर बेसिन का ये जो श्रृंखला शुरू करी है वेबिनार्स की, इसके लिए बहुत बहुत बधाई. मुझे लगता है ये 15वां वेबिनार है आपका और आप तापी रिवर बेसिन के सभी स्टेट्स के मतलब जो गुजरात मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी जो जिले हैं जलगांव नंदार दुलिया बुलडाना अकोला, ये सभी जिलों के जो साथी हमारे साथ आओ नदी को जाने के वेबिनार्स में जुड़े थे, उन सबको जोड़कर एक बहुत बड़ा कुटुंब आप खड़ा कर रहे हो तापी रिवर बेसिन का, जो आने वाली ऐसी दृष्टि रखते हैं. हम ऐसा विजन रखा है कि ऐसा तापी रिवर बेसिन का जब ये कुटुंब बन जाएगा तो जो अंतर इंटर स्टेट जो डिस्प्यूट्स क्रिएट होने के जो चांसेस हैं, तो ये एक पैरेलल तरह से उसमें कुटुंब की तरह रहेगा और एक दूसरों की समस्याओं को समझते हुए लोअर रिपेरियन स्टेट्स जो है वहां पर पोल्यूटेड पानी न जाए इसका ख्याल रखने की बातें, ऊपर से मध्य प्रदेश वाले लोग ये ख्याल रखेंगे कि हमारे महाराष्ट्र में और गुजरात में वैसा पानी पोल्यूटेड ना आए, तो ये मिलजुल के जो नदी की
रक्षा करने का जो एक आप लोगों ने जिम्मा उठाया है, एक विजन रखी है, मैं उसके लिए आपको सलाम करता हूँ। मैं नेहा सरवते जी का भी स्वागत करता हूँ। मैं लेट आया, हम बड़ौदा में मिल रहे थे और नेहा जी ने हमें पूरी विश्वामित्री नदी के ऊपर वो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की जो वहां पर एक समस्या उभर कर आई थी और उन्होंने किस तरह से एक न्यायिक लड़ाई अपने सब साथियों के साथ मिलकर और वो लड़ी थी, उसके साथ हम अपने आप अवगत करने गए थे। तब हमने वो विश्वामित्री नदी पर किस तरह से उसकी बायोडाइवर्सिटी, वहां पर जो घड़ियाल होते हैं, क्रोकोडाइल का हैबिटेट है वो एक, और वो किस तरह से संभालने के लिए रुके हुए हैं। मैंने तो सुना नहीं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्होंने उनका बहुत ही बहुत गहरा अभ्यास है नदियों को लेकर और बहुत गहरी समझ है नदियों को लेकर, और उन्होंने आपके साथ जो अपने विचार साझा किए होंगे नदियों को लेकर, वो तापी रिवर बेसिन की इस कुटुंब को उसका बहुत बहुत लाभ होगा। बस विशाल सोंकुल जी और पूरी एचएम पाटिल जी और पूरी हमारी तापी रिवर बेसिन की टीम में धन्यवाद देता हूं और उनके इस जज्बे को सलाम करता हूं। धन्यवाद एचएम पाटिल जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। और कोई महानुभव अपने सवाल या कुछ अपनी बात रखना चाहता है तो रख सकते हैं। गोपाल बापू कुनी बोलना रहेगा? विजय देशमुख जी, विलास जी, रोहित प्रजापति जी आप बात करेंगे? नहीं, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। मेरा दो ही मुद्दा है जो काफी मुद्दे नेहा जी ने कवर किए। कि मुद्दा ये है कि कोई भी नदी को लेकर अगर हम मुद्दे उठाते हैं तो जैसे नेहा जी ने कहा मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात की वो, और आपको बहुत कंसिस्टेंट ये करना पड़ता है जिसमें बहुत सारे अलग अलग पहलू को साथ में लेके चढ़ना है। जैसे उसके किनारे पर रहने वाले लोगों को साथ लेना पड़ेगा, उस शहर में बसने वाले या उस इलाके में बसने वाले सिटीजन को साथ में लेना होगा, एक्सपर्ट को साथ में लेना होगा, ऑर्डिनरी जो उस नदी के आसपास या इलाके में जो संगठन है उसको साथ में लेना होगा, जरूरत पड़ने पर आपको जुडिशियल इंटरवेंशन भी करना पड़ेगा, और इसके लिए बहुत बड़े रिसर्च की जरूरत है और ये ऑनगोइंग 24/7 एक्शन है। और आजकल रिवर फ्रंट की बात बड़े पैमाने पे हो रही है तो मुझे लग रहा है कि ये 24/7 मतलब बाय 365 नहीं कहूंगा 366 डे इसकी बड़ी बैटल है जो हम सबको मिल साथ करनी पड़ेगी। नदियों के पीछे रिवर फ्रंट का नाम का एक भूत जो इस सरकार और इस डेवलपमेंट मॉडल के दिमाग में जो चल रहा है, और नदियों को मारने का एक बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, नदियों को कैनाल बनाने का जो प्रोग्राम चल रहा है, स्विमिंग पूल बनाने का जो प्रोग्राम चल रहा है, उसके लिए हमको सबको मिलकर समझ के साथ, मतलब समझ के साथ का संघर्ष, संशोधन के साथ का संघर्ष और सातत्य के साथ का संघर्ष के बारे में सोचना पड़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। और कोई अपनी बात रखना चाहेगा? देशमुख जी, विलास जी, एचएम पाटिल जी, एचएम पाटिल जी, मैं रोहित प्रजापति, मैं मोबाइल से देख रहा था इसलिए मुझे रोहित प्रजापति जी की मुझे पता नहीं चला, वो भी हैं। धन्यवाद रोहित प्रजापति जी, आपके मार्गदर्शन और आपका जो जिस तरह का गहरा अध्ययन है और जिस तरह की न्यायिक लड़ाइयां आप नदियों के लिए लड़ते हैं, पूरे भारत भर के लिए ये एक सीख देने वाला एक पथदर्शी कार्य है आपका। मैंने पिछले संडे को आपको एनवायरनमेंट इंपैक्ट का जो अमेंडमेंट आया है उस पर भी मैंने सुना, और कितना कितना गहरा अध्ययन आपका एनवायरनमेंट के ऊपर और उसके जो अभी एनवायरनमेंट एक्ट के ऊपर जो अमेंडमेंट हो रही है और उसका क्या असर होने वाला है,
बिल्कुल वो जो उसके उसके जैसे इट इज बीइंग मेड टूथलेस ऑलरेडी इट वाज लिटिल टूथलेस लेकिन जितना भी उसमें दम था वो पूरा उसका दम निकाल दिया जा रहा है और इसकी वजह से जैसे आपने कहा कि अभी जो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट सभी तरफ हर नदियों के ऊपर वो इम्प्लीमेंट होने का जो एक खतरा मंडरा रहा है और मुझे लगता है कि ये तापी रिवर बेसिन की ये जो कुटुंब बनाने की जो एक पहल की गई है ये पूरे टीम ने पहल की है इनका यही उद्देश्य है कि महाराष्ट्र में जितने भी जिले तापी रिवर बेसिन के हैं हमारे साथ लगभग एक 25-30 लोग हर जिले के इस वेबिनार्स के द्वारा जुड़े हैं और इन्होंने अपने आप ठाना कि हम लोग एक तापी रिवर बेसिन का इंटरस्टेट मध्य प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र के सभी साथियों के साथ हमेशा संवादित रहेंगे और उनके जो एक्सपीरियंसेस है वो हम सीख के और नदियों को बचाने के काम में लगेंगे। धन्यवाद रोहित प्रजापति जी, मैंने आपको देखा नहीं था, सॉरी। धन्यवाद नरेंद्र जी, और आखिरी में अभी विशाल जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आज के इस कार्यक्रम का समारोप करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले नेहा मैम ने जो कहा कि हमारा जो भी काम हुआ पहले तो स्टडी किया कि हमें क्या करना है, वो सारा डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद में टीम वर्क और कंटिन्यूटी, और इसके साथ संवाद जरूरी है कि जैसे हमारे आओ नदी को जाने के 25 डिस्ट्रिक्ट की ऑनलाइन संवाद यात्रा हुई, तापी नदी की आज की 15वीं यात्रा है, तो ये सारा जो कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन है ये बहुत जरूरी है। यानी कि खुद से खुदा तक अगर संवाद होता है तो ये जरूर कुछ नया इतिहास क्रिएट करता है। तो आपसे हमें सीखने को मिला कि एक कंटिन्यूटी और संवाद, टीम वर्क एक इतना जरूरी है, और इसके साथ साथ जो अपना ट्रेडिशन है, आपने तो बहुत अच्छा बताया कि जैसे हार्ट बीट रहता है, अगर वो हार्ट बीट कम ज्यादा रहेगा तो ही वो आदमी जिंदा रह सकता है, वैसे नदी का भी हमें उतना ही केयर करना पड़ेगा। तो आपकी ये बात बहुत ही सीखने को मिला आपसे कि ये कितनी जरूरी है आजकल। और आपने जो आखिरी में कहा कि ये रिवर फ्रंट जो भी है ये पूरे इंडिया में हमें इस तरीके से, जैसे आपने अब हमें प्रोसेस बताया, तो प्रोसेस कैसे रिपीट हर जगह हो सकता है, इसके लिए हम जरूर आपसे हमेशा मार्गदर्शन चाहेंगे, आपसे और रोहित प्रजापति और आपका पूरे टीम से। ये बोलकर मैं गोपाल चौधरी सर, इन्होंने जो कहा कि अपने गांव के लिए यानी कि लोक सेवक बने और गांव के लिए पानी का काम किया, उनको भी बहुत बहुत सलाम है, और यही जरूरी है कि आपको समाज के लिए काम करना है। और इसके अलावा जो कम्युनिकेशन है वो साथ में रखना है, ये बात कहकर मैं अभी रुकता हूँ, और हम अभी एक बार फिर से नेहा मैम और गोपाल चौधरी सर से आखिरी में सुनते हैं और फिर समारोह के तरफ जाते हैं। धन्यवाद। एक सांगायचं थँक्यू, तुमच्या सगळ्यांचा सहवास मिळाला तर जास्तीच छान वाटेल, पण मी पण आज एक शिकली आहे की 25 तालुका किंवा 25 जिल्ह्यांनाही एकत्रित करता येऊ शकत, म्हणजे ते होऊ शकतात एकत्र। बरोडा तर विश्वामित्री एवढी लहान नदी आहे, तरी बरोडाच्या पलीकडे जाऊच नाही शकलो आम्ही, तर मी पण आज हे शीख घेऊन इकडनं निघते की बाकीचे जे वरचे हालोल तालुका आहेत आणि मधली जी गाव आहेत त्यांनाही आम्हाला जोडावे लागतील आणि तो आता प्रयास आम्ही सुरू करू, हे मी आज शीख इकडनं घेऊन जाते। तर तुम्हाला खूप खूप धन्यवाद। धन्यवाद मॅडम, धन्यवाद। गोपाल चौधरी जी,
अनम्यूट करा गोपाल बापू, मला वाटतं ते लेफ्ट झालेत. विशाल जी आपण कन्क्लूड करावं. हॅलो विशाल जी. हॅलो. हा येतोय आवाज. हॅलो बापू येतोय आवाज. येतोय आवाज येतोय. शेवटचे काही बोलायचं असेल तुम्हाला? कोणाला? तुम्ही शेवटचे काही बोलणार असाल? शेवटचे काय? बस एवढंच भरपूर. चालेल चालेल. ठीक आहे ठीक. चालेल सर. ओके ओके धन्यवाद सर. विजय देशमुख जी तुम्हाला काही बोलायचं आहे का? विजय देशमुख जी अनम्यूट करा आणि आपले प्रतिक्रिया. नाही सर. पण प्रार्थनेकडे जाऊ. एक मिनिट. इंजिनियर हरी गुर्जर आपल्यामध्ये समाविष्ट आहेत. ते बांधकाम खात्याचे चांगले जाणकार आहेत. मी त्यांना विनंती करेल की त्यांनी आपले दोन शब्द त्या निमित्ताने सांगावेत. इंजिनियर हरिदादा गुजर अनम्यूट करा. बोला दादा. हा सर, विषय काय मला जास्त प्रिपेअर नाही केलेला. मी आता बघितलं. हा तुम्ही उशिरा जॉईन झालात. अगोदर अंजनी नदीवरती गोपाल चौधरी साहेब बोललेत आणि आता आणि नेहा सरोटे मॅडम विश्वामित्री नदीवर बोलल्यात. त्यांनी त्याची शास्त्रीय सगळी माहिती सांगितली कशा पद्धतीने नदीचं रिस्टोरेशन केलं जावं आणि गोपाल चौधरींनी अंजनी नदीचं कशा पद्धतीने पुनरुज्जीवन केलं बंधारे बांधून, तर ते त्यांनी त्याच्यावर मत दिलेलं आहे. हा सर. हा बोला सर. एच एम पाटील सर. हॅलो. हा बोला. हा आपण जायचं का समारोपाकडे? करा एक मिनिट. ते बोलतायत तिकडे. हरिदादा अनम्यूट करा. हरिदादा बोला. आता हरिदादा बोलतायत आपण? सर मी निघतोय जरा बाहेर. फोन मी बसलो. चालेल. सॉरी सर. ओके काय हरकत नाही. चला विशाल जी समापन प्रार्थना घेऊया. मॅडम काय बोलतायत? संगीता पाटील मॅडम ते लेफ्ट झाले. नाही 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 लेफ्ट झाले. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति 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 शान्ति. धन्यवाद सभी को. और हमारा ये वेबिनार हर महीने के सेकंड और फोर्थ संडे को आओ तापी नदी को जाने का रहता है. और आओ नदी को जाने जो हमारा सीरीज शुरू है वो हर फ्राइडे को जो भी है प्लानिंग मीटिंग रहता है और सैटरडे 5:30 PM को डिस्ट्रिक्ट का डे फर्स्ट रहता है और संडे 10:30 AM डे टू ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑनलाइन संवाद यात्रा. इसके अलावा हम हर वेनसडे को जिनको भी स्वाध्याय करना है तो स्वाध्याय मीटिंग भी रहता है जहाँ पर पानी के बारे में सारा स्टडी होता है. ये बोलकर मैं मेरी बात समाप्त करता हूँ. धन्यवाद.
धन्यवाद विशाल जी, धन्यवाद विशाल जी, धन्यवाद। नमस्कार शैलेंद्र पटेल जी, नमस्कार शैलेंद्र सर, आवाज येतोय माझा? नमस्कार, नमस्कार संतोष जी, सॉरी हा मी थोडं लेट, हा आताच एवढंच संपलं आणि तुम्ही जॉईन झाले, उशीरच झाला, हो हो 4 वाजता सुरू झालं होतं, आताच संपलं, तुम्ही येताना दिसले म्हणून मी थांबलो। अच्छा 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 अच्छा, संपलं म्हणजे? हो एवढ्यातच संपलं, हरकत नाही हरकत नाही, बर बर बर, सॉरी हा मला थोडं उशीर झाला। बाकी काय म्हणते सर? बाकी व्यवस्थित, ते आमच्या इथे नवरात्र असतं ना, आज नवरात्रीचा शेवटचा दिवस, तर ते यज्ञ असतो, तेव्हा मोठा यज्ञ होता, तिथनं येताना मला उशीर झाला, सगळे हरिद्वार वरण वगैरे लोक आले होते ना, तर ते थोडं ते राहील। अरे चालेल सर, चालेल, सॉरी हा, नाही काही प्रॉब्लेम नाही सर, मॅडम गेल्या का? हो आताच गेल्या त्या, नाहीतर मग नमस्कार फक्त केला असता, बाकी काय नाही, नाही नाही गेले आताच, चालेल चालेल चालेल, ओके सर, चालेल सर। नमस्कार सविता मॅडम। नमस्कार सर, सॉरी वर का सर, आम्ही ना हो मला निंबाळकर सरांनी सांगितलं होतं तुमचं 2 दिवस काहीतरी कार्यक्रम होता 11 आणि 12 आणि सर ग्वाल्हेरला गेलेत ना, हो हो मला आयडिया दिली होती, मी दुपारी तुमचा फोन पण ट्राय केला पण लागला नाही। आम्ही आत्ताच आलो, आम्ही साईट वरच गेलेलो होतो, उज्ज्वल दादा आणि आमची पूर्ण 5 पाटीची टीम आहे ना, आज कन्नड तालुक्यात जिथे आमच्या ज्या ज्या ठिकाणी कामं झाली होती आणि पुरामुळे जे नुकसान झालं होतं ते बघण्या, त्याची पाहणी करण्यासाठी आणि आता पुढचं नियोजन कसं करायचं त्या संदर्भात आम्ही गेलेलो होतो। बरोबर, आणि त्याच्यामुळे आणि मी 5-6 मिनिटं झाली आली, मी लगेच बघितलं आणि लगेच जॉईन झाली। हो आज 2 वक्ते होते आणि त्यांनी खूप छान मांडणी केली, एक गुजरातच्या मॅडम होत्या नेहा सर्वाते म्हणून, त्यांनी विश्वामित्री नदी आहे तिकडची त्याबद्दल सांगितलं, म्हणजे आम्ही मुकलो चांगल्या मार्गदर्शन। गोपाल चौधरी म्हणून आहे कि त्यांनी अंजनी नदी ना आपली धरणगाव तालुक्यातली त्याच्यावर सांगितलं। हो 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 हो, अच्छा अच्छा, खूपच छान झालं दोघांचं। तर मग त्याची लिंक असेल ना आपण, आपण हो फेसबुकला लाईव्ह स्ट्रीम आहे, मी तुम्हाला चॅट बॉक्स मध्ये टाकतो। चालेल चालेल, थँक्यू सर। हो हो विशालजी, हा बोला विशालजी, हा बोला बोला। माझ्या मते विश्वामित्रीच बरोड्याला लिंक असल्यामुळे सेम प्रॉब्लेम्स असतील, अर्बनचे जे प्रॉब्लेम्स आहेत, हो हो एन्क्रोचमेंटचे ह्याचे त्याचे सेम सेम सेम, आणि त्याच्यामुळे सिटीत सुद्धा पाणी घुसत बडोदऱ्याला, आणि त्यांचा इतका प्रचंड अभ्यास आहे ना सर की, आणि टीम पण खूप मोठी आहे, तर त्यांनी ते सगळंच मांडलं, काम कसं पद्धतीने केलं, आणि अजून एक त्यांनी अध्यात्माचं हे पण सांगितलं कि जो गायत्री मंत्र आहे तो विश्वामित्रांनी त्या नदीच्या काठावरच तो हे झालेला आहे, अवतरित झालेला आहे असं त्यांनी माहिती दिली, म्हणजे गायत्री म्हणजे गायत्री मंत्र जो अवतरित झाला तो। हो हो अच्छा अच्छा अच्छा, मला त्यांचा नंबर द्या। आणि दुसरी गोष्ट कसं झालंय की मी आता मी जसं ज्यावेळेस मी नद्यांचं बोललो होतो ते तिथे त्यांना मी चांगला मोठा ग्रुप मिळवून देईन, बडोद्याला मी मिळवून देऊ शकतो त्यांना। बर बर, म्हणजे त्यांचा नंबर दिला तर मग मी काही लोकांनी। हो हो चालेल,
चालेल चालेल चालेल. आणि त्यांना पण तुम्ही फोन करून सांगा की शैलेंद्र भाई बोलतील तुमच्याशी. हो तुम्हाला ठीक आहे ठीक आहे नक्की सांगा. चालेल 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 थांबूया सर आपण. धन्यवाद. चालेल 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 चालेल.